मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को नूर मेला आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। बहावलपुर को मोहल्लात का शहर कहा जाता है। यहाँ नवाबों ने बहुत से मोहल्लात तमीर करवाए हैं, जिनमें दरबार महल, गुलजार महल, निशात महल, फर्रुख महल और ये नूर महल शामिल हैं। नूर महल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम ने 1872 से लेकर 1875 तक 3 साल के समय तमीर करवाया था। उस वक्त इस महल की तमीर के ऊपर 12 लाख रुपये की लागत आई थी। इस महल की तमीर में खास बात यह है कि इसमें लोहा और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें दाल माश, चावल, पटसन, चिकनी मिट्टी और चूना को बारीक पीसकर इस्तेमाल किया गया है। इसके दरवाज़ों, खिड़कियों और फर्नीचर में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो सागवान की लकड़ी है, जो उस वक्त बर्मा से इम्पोर्ट की गई थी। इसके फर्श में जो टाइल इस्तेमाल की गई है, ये एक टाइल 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये एक खास ज्योमेट्रिक पैटर्न में लगाई गई है। इस टाइल को स्ट्रेक्टो टाइल कहा जाता है और ये टाइल उस वक्त इटली से इम्पोर्ट की गई थी। इस महल में कुल 32 कमरे हैं, जिनमें 14 बेसमेंट, 5 गुंबद और 6 बरामदे काबिले जिक्र हैं। अभी आप जिस गुंबद के नीचे खड़े हैं, ये इस महल का सबसे बड़ा गुंबद है। इस महल का कुल रकबा 44,600 मरबा फिट है। मैं अभी आपको इस महल की ज़ेर तमीर हालत में चंद तस्वीरें दिखाता हूँ। जिनमें ये इस महल का फ्रंट व्यू है, सही, ये बैक व्यू और इससे आगे ये सेंटर व्यू है। ये पियानो 1875 में जर्मनी के शहर हैमबर्ग से इम्पोर्ट किया गया। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम ने अपनी बेगम को तोहफा के तौर पर पेश किया था और ये पियानो अभी भी अपनी असली और वर्किंग हालत में मौजूद है। अच्छा, ये सामने देखें दोस्तों पर, ये 4 मोनोग्राम अमेजा हैं, जो कि मुख्तलिफ दहाइयों में तब्दील भी होते रहे हैं। ये स्टेट भावलपुर के मोनोग्राम हुआ करते थे। इन तमाम मोनोग्राम में एक चीज़ कॉमन है, जो परिंदे हैं। इन परिंदों को पेलिकन कहा जाता है। इनकी खुराक मछली है और इन परिंदों की खास बात यह है कि जब इनके बच्चों को भूख लगती है और अपनी आखिरी हद तक कोशिश करने के बावजूद अगर ये अपने बच्चों को खुराक प्रोवाइड ना कर सकें तो ये अपने जिस्म का गोश्त नोचकर अपने बच्चों को खिला देते हैं। इसी वजह से नवाबों को ये परिंदे बहुत ज़्यादा पसंद थे और उन्होंने इसको अपने मोनोग्राम में ऐड किया है। प्लीज़ इस तस्वीर के बारे में, ये जो दो तस्वीरें भेजा हैं, ये 1924 में आखिरी नवाब की ताजपोशी के वक्त दी गई थी। ये तस्वीरें ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। इस तस्वीर में ये देखें, नवाब साहब खुद बैठे हैं और इनके साथ वासराय हमदार्ड कुर्जन मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानब नवाब साहब के वज़रा उमरा दरबार की कार्रवाई को सुनते हुए। ये इस महल का मेन हाल है। इसको दरबार हाल कहा जाता है क्योंकि इसको ज़्यादातर दरबार, अदालतों और बाहर से आने वाले वफूद के साथ मुलाकातों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये सामने चेयर और स्टेज, ये रेप्लिका है, जबकि रूलिंग टाइम चेयर गोल्ड की थी और स्टेज एलुमिनियम और वुड का हुआ करता था, जबकि फुटरेस्ट चांदी का है और ये अपनी असली हालत में मौजूद है। ये आईने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 141 साल पहले बेल्जियम से इम्पोर्ट किए गए थे। ये भी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। बड़े आईने के सामने यहाँ नवाब साहब का स्टेज था, जबकि दाएँ और बाएँ उनके वज़रा उमरा बैठ कर दरबार को सुना करते थे। उनकी फैमिलीज भी दरबार पे आया करती थी और वो ऊपर बालकनी में बैठकर दरबार को सुना और देखा करती थी। इस महल की जो सबसे खूबसूरत और दीदाजेब चीज़ है वो ये मेन हॉल की छत है। इसकी शेप बैरलुमा है, ये फूल डेक्नोरोज में है और ये नक्शोनिगार फूलों के पत्तियों के जैसे हैं। इनको वक्तन फक्तन फ्रेश भी किया जाता है। बहावलपुर स्टेट 229 साल तक कायम रही है। इसमें कुल 12 नवाब गुजरे हैं। उन 12 नवाबों की तस्वीरें दोनों गैलरीज में अवेजा हैं। पहली 9 तस्वीरें ख्याली हैं, उनकी कोई ओरिजिनल पिक्चर मौजूद नहीं है। आखिरी 3 तस्वीरें हकीकी हैं। आए मैं आपको इन हकीकी तस्वीरों के बारे में बताता हूँ। ये तस्वीर नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम की है। इनका दौरे हुकूमत 1866 से 1899 तक रहा। ये इस खानदान के 10वें नवाब हैं। इन्होंने ही ये नूर महल तमीर करवाया था। इसके अलावा इन्होंने 150 मील लंबा रेलवे ट्रैक बनवाया था, जो केपी के पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान को आपस में मिलाता है। 1868 में सियासत में हफ्तावार सादिक उल अखबार के नाम से इन्होंने अखबार भी शाया करवाया। इन्होंने तालीमी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्होंने मदरसे, स्कूल और कॉलेज के साथ साथ एजुकेशन के मॉडर्न सिस्टम को भी मुतारफ करवाया। 14 फरवरी 1899 में नवाब साहब का इंतकाल हुआ। इनको किला दिलावर के शाही कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये तस्वीर नवाब मोहम्मद भावर खान अब्बासी पंजम की है। इनका दौरे हुकूमत 1899 से 1907 तक रहा। इनको 15 साल की उम्र में नवाबियत मिली थी। इन्होंने सियासत के समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल इन्होंने ही तामीर करवाया था। उसके अलावा दरबार महल, गुलजार महल, निशात महल, फर्रुख महल भी इन्होंने ही तामीर करवाए थे। इन तामीरात की वजह से इनको सियासत का शाहजहां कहा जाता था। 1907 में हज से वापसी पर इनका इंतकाल हुआ। इनको भी किला दिलावर के शाही कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये तस्वीर इस खानदान के आखिरी नवाब, नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम की है। इनका दौरे हुकूमत 1907 से 1955 तक रहा। इनको 3 साल की उम्र में नवाबियत मिली थी। उस वक्त इनकी वालदा मलका थी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ मुआहदा तय किया कि जब तक ये जवान नहीं हो जाते तब तक सियासत के सियासी उमूर ब्रिटिश हुकूमत संभालेगी। ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ के मौजूदा लोगों की कमेटी कायम की, जो इस सियासत को चलाती रही। 1924 में 20 साल की उम्र में इनकी ताजपोशी नूर महल के इसी मेन हाल में की गई।
नवाब साहब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेहतरीन दोस्त हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब इन्होंने इस रियासत का इलहाक पाकिस्तान के साथ किया। इन्होंने 6 माह की तनख्वाह, 2 साल का बजट और 500 किलो सोना पाकिस्तानी हुकूमत को डोनेट किया था। 1956 में इस रियासत को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में जम कर दिया गया। नवाब साहब खुद लंदन चले गए और नवाब साहब का इंतकाल 1966 में लंदन में हुआ। इनकी मैयत को लंदन से पाकिस्तान लाया गया और मुकम्मल फौजी एजाज के साथ किला देरावर के ही शाही कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये बहावल गैलरी है। इस बहावल गैलरी में भावलपुर शहर के जो 5 शाही गेट हैं उनको हाईलाइट किया गया है। इस जानब देखें ये द्रावड़ी गेट का मॉडल बनाया गया है। सामने देखें बाबे फरीद का मॉडल है, उससे आगे अहमदपुरी गेट का मॉडल, उससे आगे बोरी गेट का मॉडल और उससे लेफ्ट साइड पर मुल्तानी गेट का मॉडल शामिल है। इन 5 शाही दरवाज़ों को मजीद 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। यह पहला सेक्शन है जिसमें रियासत के तमाम समाजी कामों को मुख्तलिफ बोर्ड पर हाईलाइट किया गया है। ये इस गैलरी का दूसरा सेक्शन है। आपकी राइट साइड पर यह रियासत की मईशत को हाईलाइट किया गया है, जबकि आपकी लेफ्ट साइड पर रियासत के सियासी मोड को हाईलाइट किया गया है। ये इस गैलरी का तीसरा सेक्शन है। आपकी लेफ्ट साइड पर ये शाही ड्रेसेस के नमूने मौजूद हैं, जबकि आपकी राइट साइड पर रियासत की तालीमी सरगर्मियों की अक्समंदी की गई है। ये सामने चौथा सेक्शन है जिसमें इस स्टेट की आर्मी को हाईलाइट किया गया है। भावलपुर स्टेट की अपनी आर्मी हुआ करती थी। 1956 में जब इस स्टेट को पाकिस्तान में जम किया गया तब इनकी आर्मी को भी पाकिस्तान आर्मी में जम कर दिया गया था। इनकी उस वक्त आर्मी की 5 यूनिट थी जो अभी भी पाकिस्तान आर्मी जनरल अब्बासिया के नाम से भी मौजूद है। ये विनर्स मेडल्स और ये वेपन्स भी इनकी आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल है और ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तलवार याकूब नवाब की है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका है और हजरत अली करमुल्लाह वजह की तलवार से मुशाबत रखती है। एक मिनट इस गैरी को सादे गैरी का नाम दिया गया है। ये गुलाफे काबा 1935 का है। 1935 में आखिरी नवाब हज के लिए गए थे तो ये उनको तोहफा के तौर पर मिला था। इसका कुछ हिस्सा उनके ये निवासी हैं प्रिंस कमरुल जमान अब्बासी साहब, ये उनके पास मौजूद था, उन्होंने दूर घर में डोनेट किया है। ये तस्वीर भी आखिरी नवाब की है, ये रॉयल मिलिट्री अकेडमी इंग्लैंड में ली गई थी। किसान के नाम साथ साथ बासी पंजम का पिक्चर कार्ड है जिसमें उनकी 3 साल से लेकर 61 साल तक उनकी तस्वीर को अमेजा किया गया है। ये उनकी उस वक्त की तस्वीर है जब वो 3 साल की उम्र में नवाब बने थे। ये नीचे रैक्स में जो सामान मौजूद है ये भी नवाब साहब और उनकी फैमिली के जरिए इस्तेमाल रहा, ये सामान ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इससे आगे देखें ये कैप, हुक्का, गाउन, ये कैमरा और ये नीचे वेपन्स, ये भी नवाब साहब के जरिए इस्तेमाल रहे हैं और ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। ये वादी नवाब साहब के ADC की हुआ करती थी, ये भी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इससे आगे ये तमाम हिस्टोरिकल पिक्चर अवेजा है जिसमें उनकी स्टेट आर्मी, फैमिली पिक्चर, मीटिंग और पॉलिटिकल पिक्चर इसमें शामिल है। इस हिस्से में इस रियासत की ज़रात और इस इलाके में पाए जाने वाले दरख्तों को हाईलाइट किया गया है। ये ड्रेसिंग टेबल आखिरी नवाब का है, ये भी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इस जानब इस रियासत में पाए जाने वाले परिंदों और जानवरों को हाईलाइट किया गया है। प्लीज़ थैंक यू। इस हिस्से में इस रियासत की सकाफत को हाईलाइट किया गया है। ये जेवरात मिट्टी के बर्तन और ये दीगर साजो सामान इस रियासत की सकाफत को जाहिर करते हैं। ये जेवरात आर्टिफिशियल हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। इस इलाके की आबो हवा और मौसम की सख्ती को मद्देनजर रखते हुए इस घर में वेंटिलेशन सिस्टम भी बनाया गया है। बेसमेंट में जेर ज़मीन 2 सुरंग बनाई गई हैं जिनमें पानी छोड़ा जाता था। हवाएं जब इन सुरंग में दाखिल होती थी तो पानी की वजह से ठंडी होकर इन डक्ट के जरिए महल में आती थी। महल में मौजूद गर्म हवाएं रोशनदानों के जरिए बाहर निकल जाती थी, इस तरह महल अंदर से ठंडा रहता था। इस हिस्से में तमाम हालात की तस्वीर और उनकी मालूमात को हाईलाइट किया गया है। नूर महल जिसमें मौजूद हैं ये दरबार महल, बारादरी सिकंदरी ये गुलजार महल, ये निशात महल है और ये फरुख महल। ये नवाब साहब का बेडरूम है, बेड रेप्लिका है, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन इसी शेप का सोने का बना हुआ बेड था जो नवाब साहब के जरिए इस्तेमाल रहा। ये सामने ड्रेसिंग टेबल ये ओरिजिनल है, सोफा ओरिजिनल है और इस जो 2 चेयर्स हैं वो भी ओरिजिनल हैं। इस रूम को रिकवर रूम कहा जाता है, यहाँ आपको मौजूद है। इस रैक में ये इस्लामी कम्युनिकेशन है, इम्तियाजी असलाद है, उस वक्त ये स्टाम्प पेपर्स है। 1868 में जो सबसे पहला अखबार शाया हुआ था ये अखबार वही है। इस रियासत का अपना बैंक का निज़ाम था और ये चेक उसी बैंक का है। इस
ये उस वक्त नए साल के कार्ड है, आपके नवाब के बेटे थे मोहम्मद अब्बास अब्बासी, उनकी शादी के कार्ड है और वो उनकी सेरा बंदी की टॉपी है। ये स्टेट की प्रिंटिंग प्रेस मशीन है जो कि 1867 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसमें अखबार छापा जाता था और ये अभी भी ओरिजिनल और वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। ये सामने जो गाड़ी है ये नवाब साहब की है। 1935 में आखिरी नवाब हज के लिए गए थे, इस गाड़ी को शिप के जरिए यहाँ से साथ ले गए थे। मक्का से मदीना का दरमियानी सफर है वो उन्होंने इस गाड़ी पे तय किया था। ये फोर्ड कंपनी की गाड़ी है, पेट्रोल इंजन है इसका और ये अभी भी फंक्शनिंग है। इससे आगे वो शाही बगी है, वो नवाब साहब की फैमिली से इस्तेमाल किया करती थी। उसके अंदर सिंगार शीशा है और जैसा ट्रेन में बर्थ बनाते हैं सारा उसके अंदर बर्थ मौजूद है। दैट्स ऑल सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हज वैन ऑफ नवाब मोहम्मद सादिक मैनुफैक्चर 1935 बाई नवाब मोहम्मद सादिक वायर ड्यूरिंग No doubt.